एग्जाम में नकल करने और पास करने के लिए आए दिन कुछ न कुछ अजीबोगरीब किस्से सुनने को मिलते रहते हैं। लेकिन हाल ही में एक स्टूडेंट ने तो हद ही कर दी, जब उसने एग्जाम शीट में प्रश्नों के उत्तर लिखने की जगह परीक्षक से पास करने की अर्जी ही लिख डाली। जी हाँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन एक लड़की ने अपनी कॉपी में परीक्षा में पूछे गए सवाल के जवाब में लिखा, सर मैं एक लड़की हूँ, मेरी शादी 28 जून को होने वाली है, मुझे पास कर देना नहीं तो मेरे घर वाले गुस्सा में रहेंगे। पहले भी ऐसा कई बार होता आया है कि बच्चों ने पास होने के लिए कॉपी के अंदर नोट रखे और टीचर्स से विनती की वो उन्हें पास कर दें। ये वाक्या अभी कुछ दिनों पहले सामने आया, जिसमें उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेक करते हुए एक कॉपी निकली जिसमें लिखा था कि सर मैं एक लड़की हूँ, मेरी शादी 28 जून को है, मुझे पास कर देना नहीं तो घर वाले गुस्से में रहेंगे। वो बात अलग है कि टीचर्स ने इसे मजाक में उड़ा दिया और 0 नंबर दे दिए। सख्त कदम उठाने की जरूरत, ये कथन उसकी उत्तर पुस्तिका में लिखा हुआ था, जिसे उस अध्यापक ने देखा और इसकी जानकारी अन्य लोगों को दी। वैसे तो हम सभी को मालूम है कि यूपी बोर्ड की शिक्षा स्तर को इन दिनों बहुत निम्न माना जाता है और वहां नकल आदि के किस्से आए दिन होते रहते हैं। इस संदर्भ में सख्त कदम उठाने की मांग भी हुई है।